क्लीं 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 कृष्णाय नमः। भगवत नामोच्चारण के साथ श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का सातवें दिन का शुभारंभ आप सब एक साथ एक स्वर से मंगलाचरण करेंगे। ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम सुरप्रियाय नमो धर
सर्वाय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। करारविन्देन पदारविन्दम् मुकारविन्दे विनिवेशयन्तम् भटास्य पात्रास्य पुटे सयानम् मुकुन्द शिरसा नमामि अकाण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितानि येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुते स्मृति पुराणानां आलय करुणा भगवत पाद शंकरमलोक शंकरम मनोज वंगमारुत तुल्य वेगा जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं बान्दरयूतमुख्यं श्रीरामदूतां शरणं प्रपादे। सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्द कन्द महत पाप वृन्दम् वाराणसी नाथ अनाथ नाथम् श्री विश्वनाथम् शरणं प्रपदे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शरण शरण करुणा परमालय सर्वात्मा सर्वाधीश सर्वेश्वर
ब्रज नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन मदन मोहन घनश्याम श्याम सुंदर कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति भागवत की कथा। राजा परीक्षित गंगा के किनारे पर इस भागवत रूपी अमृत का पान कर रहा है। आज उसका सातवां दिन है। अभी तक अन्न दूर रहा, परीक्षित ने एक बूंद पानी नहीं पिया। सातवें दिन कहता है भगवान, आज मेरे को 12 बजे तक्षक नाग डसेगा, सर्प डसेगा, आज मैं मरूंगा। सर्प का भय नहीं लग रहा है, मौत का डर नहीं लग रहा है, लेकिन भगवान मेरी आज अंतिम इच्छा है वो आप पूरी करो। अपने भी मरियमान होता है, दादाजी शरीर छोड़ रहे हैं, 95 वर्ष के हो गए थे, तो पूछते हैं ना मरने वाले को, दादाजी क्या इच्छा है आपकी अंतिम, ये पूछते हैं। आपकी इच्छा हम पूरी करेंगे, बताओ क्या इच्छा है। तो कोई कहता बेटा मेरी गऊदान कर दे, अंतिम इच्छा है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन परीक्षित स्वयं कह रहा है गुरु से, मेरी इच्छा अंतिम पूरी, अंतिम इच्छा पूरी करो। राजा तेरी अंतिम इच्छा क्या है? आज मैं आपके मुख से कोई भक्त की कथा सुनना चाहता। अरे राजा, आज तेरे को ऐसे भक्त की कथा सुनाएंगे जो उज्जैन नगरी में सांदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ता था। भगवान कृष्ण के साथ उसकी मित्रता थी, जाति का वो ब्राह्मण था, उसका नाम बोलो ना, सुदामा था। तो आइए सुदामे की कथा सुनने से पहले आप सब अपने पितरों का स्मरण कर लो, भगवान की स्तुति कर लो। गोविंदाय नमो नमः।
मोक्ष प्रदा भव। ऐसे पितृश्वरों का स्मरण आपने किया, सुदामा और कृष्ण की कथा सुना रहे हैं। कृष्ण सुदामा केवल मित्र नहीं थे, कृष्ण सुदामे में दो रिश्ते थे, दो रिश्ते। एक तो आपस में मित्र लगते थे और दूसरे आपस में दोनों साडू भाई थे। साडू भाई, साडू भाई जानते हो ना? हाँ, कृष्ण सुदामा केवल मित्र नहीं, साडू भी थे। साडू कैसे थे? भगवान कृष्ण ने द्वारका में जाके लक्ष्मी के अवतार रुक्मणी के साथ विवाह कर दिया। सुदामा ने पंडरपुर में आके लक्ष्मी की बड़ी बहन थी दारिद्रा, उसकी अंशा अवतार थी सुशीला। सुदामे ने सुशीला के साथ विवाह कर दिया। अब दारिद्रा और लक्ष्मी बहने बहने हैं। लक्ष्मी के अवतार रुक्मणी, दारिद्रा के अवतार बोलो ना सुशीला, सुदामे की पत्नी। इसलिए भागवत में लिख दिया दोनों मित्र नहीं, दोनों क्या लगते थे बोलो? साडू भाई। कैलाशी साडू भाई को बुलाया नहीं? बुला लिया, ठीक है। साडू को बुला लेना चाहिए, साड़ी को भी बुला लेना चाहिए। सुदामा बहुत पढ़ा लिखा था वो, लेकिन उसने विचार कर दिया मैं कथा मेरी पत्नी को ही सुनाऊंगा, दूसरों को नहीं। यदि सुदामा बाहर कथा सुनाने के लिए चला जाता तो मालोमाल बच जाता, वो तो पत्नी को ही कथा सुनाता था। हाँ, जब सुशीला काम कर लेती ना सारे घर का, तब वो आवाज लगाता पोती खोल के, सुशीला ए सुशीला आ तेरे को कथा सुनावे। सुशीला कथा में बैठ जाती। एक दिन बातों ही बातों में सुदामे के मुख से निकल गया, सुशीला जिस कृष्ण की कथा सुनाता हूं मैं, वो दोनों साथ में पढ़ते थे, दोनों मित्र थे। तो सुशीला तो बेब भागवत से समझ चुकी कि आपका मित्र वो द्वारका में रहता है, आप द्वारका क्यों नहीं जाते हो? सुशीला कहती है, सुशीला के कहने पर सुदामा कहता, सुशीला तेरे को पता नहीं वो मित्र ही नहीं है, बोलो ना भगवान भी है। पांच जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक तो मित्र के घर जाओ खाली हाथ मत जाओ, एक गुरु के घर जाओ खाली हाथ मत जाओ, एक मंदिर में जाओ खाली हाथ मत जाओ, एक कथा में आओ तो खाली हाथ मत आओ। पांच सगे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला चार जगह से पोवे लाई हो, मेले कुचेले कपड़े में बांध दिया, सदागड़ा था वो, गांठे लगाई धीरे धीरे, वो तो जोर से लगा देवे तो बोलो ना इतना सदागड़ा सुदामे के हाथ में दे दिया, कह लो तो खाली हाथ में। सुदामा कांटे लगता वहा चलता चलता द्वारका पहुंच गया।
महल के आगे दो पहरेदार खड़े हैं। पहरेदारों ने पूछा, रे तू कौन है? सुदामा कहता है, अंदर जाने दो। कहा महाराज, अंदर क्या करोगे? अन्न क्षेत्र तो इधर है, पीछे जाओ, भोजन उधर मिलेगा। सुदामा कहता है, अरे पहरेदारो, मैं भूखा नहीं हूं। एक बात और बता देता हूं आपको, सुदामे को भीख मंगा मत कह देना। सुदामे के विशेषण व्यास जी ने भागवत में लगाए हैं, ऐसे किसी संत के नहीं लगाए हैं। सुदामा ब्रह्म बेता था, ब्रह्म ज्ञानी था, भीखमंगा नहीं था, गरीब जरूर था। आजकल व्यास गद्दे पर बैठा हुआ वक्ता भी भजन बोल देता है, ओ तेरे दर पर आया सुदामा भिखारी नहीं। सुदामा भिखारी नहीं था। और एक बात और सुन लेना, सुदामा भगवान कृष्ण से लेने के लिए नहीं गया था, सुदामा तो भगवान कृष्ण को, बोलो ना, देने के लिए गया था। जो घर में वो लाया, खाली हाथोड़ा ही आया, देने के लिए आया। महल के पहरेदारों से कहता है, तुम अंदर मत जाने दो, कोई बात नहीं, अंदर वाले को सूचना दे दो कि बाहर तेरा मित्र हो। महल के पहरेदार पूछते, तू कौन है? परिचय दे रहा। सुदामा यूं बोला, ओ महल के पहरेदारों ने पूछा तो सुदामा यूं बोला, मैं उसी कृष्ण का आशिक हूँ, तेरा यार भी है भगवान भी है। मैं उसी कृष्ण का आशिक हूँ, मेरा यार भी है भगवान भी है। नारायण भज नारायण, नारायण भज रे मन को, भज नारायण भज नारायण, नारायण भज रे मन को। कमार भी है एक प्यार भी है, इससे होता है प्यार भी है। भज नारायण भज नारायण, नारायण भज रे मन को, भज नारायण भज महल के पहरेदारों को कह दिया, अंदर मत जाने दो।
जो अंदर है उसको एक सूचना दे दो, कह दो तेरा बाहर मित्र खड़ा है, मेरा नाम बता देना। सुदामा कहता है पहरेदारों मेरा नाम सुन लेगा कि मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरा मित्र भोजन करता होगा ना वो थाली छोड़ करके पहले मेरे पास आएगा। एक पहरेदार कहता है कह देना चाहिए, अंदर गया महाराज, बाहर एक ब्राह्मण खड़ा है, रुक्मणी ने थाल रख दिया, ग्रास भी तोड़ दिया, और पहरेदार ने कह दिया वो मेली कुचली जनेऊ पहना हुआ है, फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है, अपना नाम सुदामा बता रहा। सुदामा ये सुनते ही भगवान ने ग्रास नीचे रख दिया, दौड़ करके सुदामा के पास गई, प्रणाम किया, आगे देखा कांटे बहुत लगे हैं पैरों में। भगवान कहते हैं अरे सुदामा इतनी तकलीफ पाया पहले क्यों नहीं आयो, लोग मेरे को क्या कहेंगे, मैं सोने की द्वारका में, अरे मेरे मित्र की ये दशा। अब जो कांटे निकाले और खून निकले, और जो खून निकले भगवान के आंखों से पानी निकले, पैर पर गिरे, रंजी दूर हुए, रेती दूर हुए, फिर कांटे दिखाई दे, भगवान कांटे निकाले। ऐसे बेन भी आयन दे पग कंटक जाल पुनी कर जोये, आय महा दुख पायो सखा तुम आन इते न खिते दिन खोये, देख सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोये, आने परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोये। भजे नारायण नारायण भजे, न पानी है न परात है, आंखों से पानी निकल रहा है, कांटे निकाल रहे हैं, रोते हुए कह रहे अरे मित्र इतना तकलीफ में, हाय महादुख पायो सखा तुम आन इतेन किते दिन खोए, देखी सुदामे की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान ने देखा सुदामे के पैर के तलवे एडी में बबूल का कांटा किक्रिये का सवा इंच अंदर गया हुआ है, किक्रिये का कांटा बहुत लंबा होता है, अब उस कांटे को निकाल रहे हैं भगवान, तो हाथ से नहीं निकल रहा है, नाखून से नहीं निकल रहा है, जो कांटा हाथ से नहीं निकला उस बबूल के कांटे को निकालने के लिए भगवान ने सुदामे का पैर ऊंचा किया, जो हाथ से नहीं निकला उसको मुख के दांत से पकड़ के निकाल दिया, टप 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 खून टपक रहा है, पट्टी नहीं पीतांबर फाड़ दिया, पानी नहीं है गिल्ली पट्टी, आंखों के आंसू से करके सुदामे के लपेट दिए, रे मित्र इतना तकलीफ मत, कंधा पकड़ाया, अंदर ले गई, सिंहासन पर बैठाया, स्वयं नीचे बैठे और बैठ के क्या कह रहे हैं, सुदामा तो पैदल आया, ले तेरे पैर दबाऊं, जिस परमात्मा का लक्ष्मी चरण दबाती है वो लक्ष्मी का पति नारायण आज बूढ़े ब्राह्मण सुदामे का चरण दबा रहे। चरण दबाते दबाते रानियों पटराणियों को आवाज दी, ए रुक्मणी सत्य भामा जामोंती मित्र बंदा कालिंदी भद्राल लक्ष्मणा आओ ये मेरा मित्र आया। लक्ष्मी की अवतार
रुक्मणी देख रही है, ये क्या हो रहा है? ठाकुर नीचे बैठे हैं सिंहासन पर, ब्राह्मण लक्ष्मी के मन में विचार आ रहा है, जिसके चरण मैं दबाती हूं मेरा पति आज ब्राह्मण का चरण दबा रहा है। भगवान देखती हुई रानियों पटरानियों को बोला, देख क्या रही हो, मेरा मित्र आया है, प्रणाम करो। आज रानियां इधर से आवे और प्रणाम करके इधर से निकल जाए, सुदामा ऐसे बोलो ना, अखंड सौभाग्य होती बाबा, अखंड सौभाग्य होती, अखंड 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 सौभाग्य होती, ऐसे आवे ऐसे। ओ महाराज 200-250 रानी आई सुदामे के, तो यहां से बोलो ना करके देखना, ऐसे यहां से बाजू दर्द कर रही है और कतार बहुत लंबी पड़ी है। भगवान नीचे बैठे हैं, सुदामा भगवान के कान में मुख लगा के क्या कहता है, मित्र मित्र थार कत्ती कह रही है। भगवान कहते हैं अभी तो 200-250 आई है, मेरे तो 16,108। सुदामा कहता मित्र 16,108 मेरा तो यहां, बोलो ना। तो एक काम कर, इन सब को एक भवन में बिठा दे, एक जगह बिठा दे, ताकि एक तंत्र से इनको मैं आशीर्वाद दे दूं। भगवान ने कहा अरे रानियों पटरानियों अपनी सुधर्मा सभा में जाके बैठ जाओ। भगवान अपनी रानियों के साथ, पटरानियों के साथ और अपने पुत्रों के साथ बैठते थे। उस भवन का नाम क्या था बोलो, सुधर्मा सभा, क्या नाम था याद रखना नाम, सुधर्मा सभा। उसको सुधर्मा सभा क्यों कहते थे, भगवान रानियों पटरानियों के पास बैठ करके धर्मा धर्म की चर्चा करते थे। रानियों को 16,108 को बेटे कितने थे बोलो भगवान के, 1,61,080 कल बताया था ना, हाँ थोड़ा याद रखा करो। इतने बेटों को, इतनी रानियों को बिठा करके धर्म का उपदेश करते थे, इसलिए उसके सभा का नाम सुधर्मा सभा। अपने को भी भाई थोड़ा रविवार के दिन बच्चों को समय दो, पत्नी को समय दो, थोड़ा बैठा करो पत्नी के पास, पुत्रों के पास, थोड़ा धर्माधर्म का उपदेश दिया करो भाई। कल रविवार है बोलो बच्चों, कल अपने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या सुंदरकांड करेंगे बोलो। ऐसा आजकल हाय रुपया हा रुपया, न पत्नी को समय दे रहे हो न पुत्रों को दे रहे हो, भगवान को देखो। और सुदामा को लेकर गए, सुदामा देख रहा है सुधर्मा सभा में बोलो कितनी बैठी है, 16,108। लाल गुलाबी साड़ियां पहनी एक ही जैसी, आहा सुदामा विचार करता है इतनी रानियां। कान में मुख लगा के सुदामा क्या कहता है मित्र कृष्ण से, मित्र मित्र सगड़ी थारी है कि रे, भगवान कहते हैं मित्र तेरी कृपा है सब मेरी है। आहा सुदामा विचार कहता है मेरे मित्र का ठाट तो बोलो ना, प्यारा सांवरिया तेरा ठाट बड़ा निराला है।
सायो है प्यारा सांवरिया, ओ प्यारा सांवरिया थारो काट दे कर मन हर सायो है प्यारा सांवरिया, मन हर सायो है श्याम मारो मन हर सायो है प्यारा सांवरिया, मन हर सायो है श्याम मारो मन हर सायो है सिंहासन पर बैठो जी सजो दजो बनड़ो सो बन कर सिंहासन पर बैठो जी मन चाहिए ता सा
मनवारी बजवा श्याम मीठी सी बांसुरी मनवारी बजवा श्याम मीठी सी बांसुरी मनवारी बजवा श्याम मीठी सी बांसुरी मनवारी बजवा श्याम ये मेरे मित्र की रानियां पटरानियां ये सुनते ही बड़ा प्रसन्न हुआ और एक तंत्र से हाथ ऊंचा करके आशीर्वाद दे दिया कांड सौभाग्यवती भवय। भगवान ने चुटकी बजाई रुक्मणी सत्यभामा देख क्या रही हो, मेरा मित्र आया भोजन कराओ। आज रानियां पटरानियां सब रसोई में हाँ आठों पटरानियां। सुदामा मन में विचार करता है मेरी मित्र की चलती तो भूत है भाई, चुटकी में कहा वो चलती है, बाहर तो सबकी चलती है वो, घर में किसी किसी की चलती है बोलो ना। हाँ बाहर सबकी चलती है, घर में किसी किसी की। बाहर शेर बना हुआ होता है वो, फैक्ट्री में दुकान में ऑफिस में शेर की तरह गर्जना करता है, और घर आते ही घरवाली बिल्ली बनाती या नहीं बोलो? बनाती है महाराज। क्या बनाती है महाराज? हाँ बनाती है। जे ऑफिस से आएगा वहां शेर बना हुआ था, और जो घर आएगा रसोई में जाएगा ना, घरवाली रसोई कर रही है, छोटा सा बच्चा रो रहा है, आते ही क्या कहेगी? देख क्या रहे हो, बच्चे को गोद में लो, मुन्ने को गोद में लो। घर वाला कहेगा आजा मुन्ना आजा। फिर भी मुन्ना रोता हुआ संभलता नहीं है ना, घरवाली चकली पर बेलन पटक के बाग क्या बोलते है बोलो ना, पता नहीं। बच्चा तो संभलता ही नहीं है, फैक्ट्री कैसे संभालते हैं? लाओ मेरे को दो। घरवाला कहता तू ले ले। अब ले लिया बच्चा, आड़ा पकड़ा हुआ है वो, राजस्थान में आड़ा बोलते हो ना, बच्चा ज्यादा रोता है आड़ा पकड़ता है वो। माँ ने ले लिया फिर भी रोता संभलता नहीं है, तो मम्मी क्या कहती है? मुन्ना देख मुन्ना चुप हो जा, देख मुन्ना बिल्ली आई, देख मुन्ना बिल्ली आई। इतने में घरवाला म्याऊं 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 बोलो ना, बाहर शेर बना हुआ, घर आते घरवाली बिल्ली बना देती है। अरे बिल्ली नहीं है तेरी, स्वाग की सिंदूर है,
सुदामा विचार करता है इसके 16,108 पर मेरे एक है तो फिर चलती नहीं, इसकी इतनी चल रही है। रानिया ने आकर के भोजन कराया। अब भोजन के बाद भगवान पूछते हैं सुदामा, भाभी ने देवरे के लिए क्या बेचा? और सुदामे को पुआ देने में शर्म आ रही है। और ऐसे बगल में बंद कर रहा है, का कुछ नहीं। इतने के अंदर बगल से पोवे थे वो फट गए, चीड़ा फट गया, वो कपड़ा सड़ागड़ा फट गया, पोवे नीचे गिर गए। भगवान बोले, रे सुदामा तू भाभी के प्रेम को छुपा रहा था, लेकिन भैया प्रेम छुपता नहीं है, प्रेम तो प्रकट होता ही है। एक मुट्ठी पोवा मुख में लिया, पहली मुट्ठी में सुदामे को भगवान ने दिव्य भक्ति दे दी। जा सुदामा, तेरे को दिव्य भक्ति दे रहा हूं। दूसरी मुट्ठी मुख में लिया, सुदामे को अपना जैसा वैभवशाली बना दिया। जितना वैभव मेरे पास उतना ही वैभव तेरे पास, जैसी सोने की द्वारका मेरे वैसी सोने की द्वारका तेरे। और तीसरी मुट्ठी और ले ली है, सावधान। अब भगवान विचार करते हैं तीसरी मुट्ठी में क्या देऊं। भगवान के मन में आया, ये मुट्ठी पोवा खा करके लक्ष्मी को ही दासी बना दूं, इसकी मैं लक्ष्मी को दासी रूप में दे दूं ताकि इसके आगे काम करे। और लक्ष्मी की अवतार रुक्मणी देख रही है, रुक्मणी विचार कर रही है यदि तीसरी मुट्ठी खा ली तो मेरे को दासी बना देंगे, और मैं यदि कह दूं मैं इस बूढ़े ब्राह्मण की दासी नहीं बनूंगी, आई हुए ब्राह्मण का अपमान हो जाएगा। रुक्मणी ने बुद्धि लगा के हाथ पकड़ दिया, भगवान क्या कर रहे हो, ये ब्राह्मण का लाया हुआ प्रसाद है, हम रानियां बांट के खाएंगी, अकेले कैसे खा रही। हाथ में रुक्मणी ने छीन लिया, एक एक चावल सबने लिया, आठों पटरानियों ने प्रसाद, ब्राह्मण का प्रसाद। प्रसाद किसको कहते हैं, जो मल के रूप में वापिस नहीं निकले उसका नाम प्रसाद है, और जो मूत्र के रूप में वापिस नहीं निकले उसका नाम शरणामृत है। प्रसाद और शरणामृत कम मात्रा में खाओ, आनंद आएगा। फिर प्रसाद शब्द में कितने अक्षर है बोलो, प्रसाद है कितने अक्षर है, 3.5 प्रसाद है, प्र डेढ़ सा ढाई द 3.5। इसका अर्थ क्या होता है, प्र मन प्रभु, सा मन साक्षात, द मन दर्शन, जो खाते ही साक्षात प्रभु का दर्शन करा दे उसका नाम प्रसाद। सुदामा एक रात्रा का भीतर जाऊं, भगवान कहते हैं तिलक लगा के भेजूं। सुदामे को अभी पता नहीं कि देने वाले दाता ने कितना दे दिया, उसको पता ही नहीं है। अब भगवान ने कहा ऐसे कैसे जाएगा, तिलक लगा के भेजूंगा। तब सुदामे के मन में भाव आया कि चलो तिलक निकलेगा तो दक्षिणा मिलेगी, वो सुशीला को दे दूंगा, और उसको पता नहीं है कि देने वाले दाता ने कितना दिया है। देने वाला जब दाता देता है ना, लेने वाले को पता नहीं लगता है। देने वाला दाता डिंडोरो नहीं पीटता है, गुप्त रूप से ऐसा देता है कि लेने वाले को पता नहीं लगता क्या दिया है। अब ये भाव आया कि सुशीला के लिए तो मिल ही जाएगा, उसको पता नहीं है सुशीला के रुक्मणी जितने जेवर दे चुके हैं, सोने का महल दे चुके हैं,
तिलक लगा लगेगा, सूखा नहीं लगेगा। एक बात और बता देता हूं, तीन व्यक्तियों के सूखा तिलक नहीं निकलता है। या तो तिलक निकालना ही मत भाई, और निकालो तो तीन को जरूर दक्षिणा जरूर दो। एक तो ब्राह्मण के सूखा तिलक नहीं निकलता है, दूसरा बुआ जी के सूखा तिलक नहीं निकलता है, तीसरा जवाई जी के सूखा तिलक नहीं निकलता है। हाँ, या तो इन पर निकालना ही मत। हाँ ठीक है ना, राजी खुशी का समाचार पूछ पर निकालो तो कुछ न दो, कुछ दो। भगवान ने तिलक निकाल दिया, सुदामा कहता जाऊं, जा। क्या भगवान ने व्यास गद्दी के मर्यादा तोड़ी है? व्यास गद्दी कहती है ब्राह्मण के बुआ जी के जवाई के सूखा तिलक नहीं निकला, नहीं निकलता, मर्यादा नहीं तोड़ी है। तिलक निकालने में बहुत रहस्य है। सुदामे के यहां ललाट में लिखा हुआ है क्षय लक्ष्मी, क्षय मन नाश, लक्ष्मी नहीं है। भगवान ने तिलक निकालते समय सुदामे के क्षय के आगे ए और लिख दिया, इसे कुमकुम से। अब क्या बन गया बोलो? अक्षय लक्ष्मी। जा सुदामा, तिलक निकाल करके तेरे को कुबेर का भंडार दक्षिणा में दे रहा है, सूखा नहीं निकाला। दरवाजे तक पहुंचाने गए, सुदामा बहुत प्रसन्न हो रहा है। सुदामे को सबसे ज्यादा प्रसन्नता किस चीज की हो रही है? सुदामा विचार करता है इतनी रानियां चुटकी में कहां, चलती बहुत है मेरे मित्र की, और कितनी मीठी बोली के आओ जी भोजन करो जी, कितना हमको अच्छा भोजन कर। एक बात और सुन लेना माताओं बहनों, भगवान की रानियों के अंदर, पटरानियों के अंदर छह गुण थे, छह गुण। अरे यहां भागवत में बताया है छह गुण वाली पत्नी करोड़ों जन्मों का पति का पुण्य होता है तब मिलती है। हर किसी को छह गुण वाली पत्नी मिल ही नहीं सकती, और जिस व्यक्ति को छह गुण वाली पत्नी मिली है ना, समझ लो कोटि जन्म समुद्धे न, समझ लेना मेरे एक करोड़ जन्मों का पुण्य उदाव है कि मेरे को छह गुण वाली पत्नी मिली है। और माताओं बहनों, तुम भी भागवत में बैठी हो, ये छह गुण मिला लेना, और कोई एक दो कम हो तो आज कथा में पूरा कर लेना। भोजन येसु माता, शयने सुरंबा, कारणे सुमंत्री, कार्ये सुदासी, धर्मानुकूला मधुरवासिनी, सभार्या अति दुर्लभा। छह गुण वाली पत्नी अति दुर्लभ है, सभार्या अति दुर्लभ। पहला गुण क्या है मिलो? भोजने सुमाता, पत्नी भोजन करावे पति को, उस समय माता जैसा भाव होना चाहिए, जैसे माँ पास में बिठा के भोजन कराती है ना, ऐसे ही पति भोजन करे तो तुम पास में बैठ जाओ। नेम ले रही हो ना, भोजन करे उस समय पति के पास बैठ के भोजन कराओ। दूसरा लक्षण, शयने सुरंबा, पति के शयन कक्ष में तुम रंबा यानी अप्सरा की तरह रहो। श्रृंगार केवल पति को दिखाने के लिए होता हो, दूसरों को नहीं। पति के शयन कक्ष में शयने सुरंबा, कितने लक्षण हो गए? दो।
मिला रहे हो ना। कर्णेषु मंत्री, तीसरा लक्षण, पति पत्नी की बात गुप्त रहनी चाहिए। बोलो ना, पत्नी को चाहिए पति की बात कोई प्रकाशित नहीं करे, और जो कहे सुन लो, और जो देवे ना पति वो भी बोलो ना, दूसरे को बताना नहीं है। किसी किसी बहन बेटी को आदत होती है, पति जब देता है ना, सवेरे महाराज जेठानी के पास जाके क्या कहेगी, जेठानी जी थार देवर है, मैंने आज 5,000 रुपया दिया है। मामला गड़बड़, ठीक कर भैया, माइक ठीक कर, आज माइक ठीक कर, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारा संयुक्त परिवार है, एक तुम्हारा परिवार क्यारी की तरह है तुम्हारा घर। यदि तुम पति की दी हुई चीज तुम दूसरों को बता दोगे, क्यारी बनावा घर तुम्हारा गमला बन जाएगा। गमले और क्यारी में बहुत अंतर है। एक गमला पास में है, पहले गमले में पानी डालो, वो दूसरे में नहीं देगा। देखो पास में सटा हुआ है फिर भी नहीं दे रहा है। अरे क्यारी में पानी डालोगे तो बोलो ना, समान रूप से पौधों को पानी मिलेगा। कब मिलेगा? पति की बात को गुप्त रखो। संयुक्त परिवार क्यारी बनावा, और उसमें तुम कह दोगे तुम्हारे देवर ने ये दिया, मामला गड़बड़। बात भी गुप्त रख। कितने लक्षण हो गए, गिन रहे हो? 3 हो गए, 6 लक्षण वाली पत्नियां बता रहा हूं। चौथा लक्षण, कार्येषु दासी, पति के काम करने में तुम दासी की तरह रहो। चाहे तुम्हारा पति कितना ही उद्योगपति है, तुम उनकी मालकानी नहीं हो, तुम उनकी दासी हो, ये दासी बनके रहो। लोगों के लिए मालकानी हो, लेकिन पति के लिए तुम दासी बनके रहो। उनके काम में जैसे दास दासियां मालिक के सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसे उस कार्य में तत्पर रहो। पति को क्या काम चाहिए बोलो ना, स्नान के समय गमछा बोलो ना स्नानगर में रख दो, बनियान रख दो, इतना मेरा जी। थका मंदा ऑफिस से आवे ना, जट आते ही अपने हाथ से पानी पिलाओ, दिन भर की परेशानी पति की दूर हो जाएगी। तो थका मंदा पति आता है, पत्नी सोफे पर बैठी है, और पति को आया हुआ देख करके किसको आवाज देती है, ए रामू बाबू को पानी पिला। तो तू किस लिए है फिर? रामू तो पानी ऑफिस में पिला ही रहा था, तू किस लिए है? अपने हाथ से पिलाओ। चार, पांचवा लक्षण, धर्मानुकूला, धर्म में तत्पर रहे, अपने धर्म को नहीं छोड़े। पति को धर्म में चलने की प्रेरणा देवे। कभी कभी कह दे आज रविवार है, छुट्टी है, चलो भगवान के मंदिर में चले, दर्शन कराओ, सत्संग में लाओ। छह, पांच लक्षण, माताओं बहनों ये 5 लक्षण तो तुम्हारे सब में मिल रहे हैं, ये छठा बहुत कठिन है। इसको मना लोगे ना, तुम्हारा घर वृंदावन बेकुंठ बनने में देर नहीं लगेगी, और तुम्हारा घर कभी गमला नहीं बन सकता, हमेशा क्यारी बना हुआ रहेगा। छठा लक्षण है मधुर भाषिणी, पति के सामने मीठी बोलो, थोड़ा कठिन है। हाँ, भोजन का समय हो रहा है, पत्नी में भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि पति के सामने मीठी बोलेगी ना, दिन भर की परेशानी दूर। हाँ, भोजन करे और समझे क्या करें, आज घर में कोई नहीं था, आलू ही थे, इसलिए आलू की सब्जी बना ली, इनको भा नहीं रही है, जट मीठी बोल के कहेगी, लो लो 2 मिनट लागी पापड़ी बना दी, बड़ा राजी हो जाएगा पति, लो 2 मिनट लागी कड़ी गर्म कर दू।
हाँ, मधुर बोलते ही दिन भर की परेशानी। अब कई कई मीठी भी बोलती है, भोजन पति करता है, बोलो ना, पंखी रखती है वो, पंखी भोजन कराएगी और पंखी से हवा भी देगी और हवा देती देती क्या कहेगी, सुनो नी थे तारी मां ने समझा दिया है, हलो लोगी, बोलो, हवा दे रही है, हलवा खिला रही है, फिर कहते सुनो नी थे तारी बहन ने समझा दिया, आम रस लो क्या, ये हवा पति को कैसे लग रही है पता या बताऊं, भुट्टा सेकने वाला भुट्टा सेक रहा है, बोलो, और पंखी से हवा दे रहा है, वो भुट्टे को हवा लग रही है, नीचे आग लग रही है, बोलो। अरे भोजन के समय ऐसी वैसी बातें मत करना, ध्यान रखना, ये छह लक्षण अपनाना, मधुर बोलो। किनी किनी बहन बेटी को आदत होती है, माताओं को, पति भोजन करता है तो कहती है थे सुंदर रखिया को नहीं, वो कहता है वो भूल गया झटके की थाने था नहीं, मारी बात से याद रहे, हमारी तो भूलो ही हो। अरे भाई ऐसा मत कहो। अब सुदामा देखो, ये छह लक्षण वाली रानियों को पटरानियों को देख करके मार्ग में इतना प्रसन्न हो रहा है कि भगवान की रानियां कितनी मीठी बोल रही थी। और जय घर के पास आया, बोलो ना, झोपड़ी नहीं है, क्या है, सोने का महल। सुदामा विचार करता है मैं द्वारिका के अंदर वापिस आ गया क्या, कहीं खो गया क्या, भटक गया। सुदामा की पत्नी ने देख लिया, आकर के प्रणाम करके कहती है पतिदेव, आपका मित्र कंजूस नहीं बड़ा दाता है, ये सोने का महल आपकी मित्र की कृपा से। ये कृपा कैसे हुई ठीक समझना, आप काया में आ जाओ, कथा को तीन प्रकार से समझा रहे हैं। ये सुदामा कौन है, सुदामा जीव है, जीव की पत्नी कौन है, बुद्धि है, द्वारिका क्या है, शरीर है, जीव का मित्र कौन है, परमात्मा है। जब जीव सुदामा परमात्मा कृष्ण की कथा बुद्धि रूपी पत्नी को सुनाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तो जीवात्मा सुदामे को द्वारिका में अपने मित्र भगवान से मिलाएगी और जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा देगी। ऐसा सुदामा महल में नहीं बैठा, वृक्ष के नीचे बैठ गया, भजन करने लग गया, कह दिया सुशीला मेरे को तो कुछ जरूरत नहीं है। रणभूमि में युद्ध करने वाला योद्धा जब संग्राम भूमि में जाता है, नारी के सौंदर्य पर ध्यान नहीं रखता है, ऐसी जब भक्त भक्ति का श्रृंगार कर देता है, वैभव के श्रृंगार पर ध्यान नहीं देता। भगवान ने द्वारिका के अंदर देव की मां के छह बेटों को जिंदा किया, सुभद्रा का हरण करवाया, अर्जुन के साथ विवाह किया, और 56 करोड़ यदुवंशियों को ब्राह्मणों से श्राप दिला करके मरवाया और स्वयं सह शरीर गोलोक धाम गए थे। उससे पहले भगवान ने उद्धव जी को, बोलो ना, 24 गुरुओं की कथा सुनाई। कितने गुरुओं की, 24 की। जब भगवान गोलोक धाम जाने के लिए प्रभा क्षेत्र में बैठ गए, 125 वर्ष पूरे हो गए, भगवान के 125 वर्षों में कोई बाल सफेद नहीं आया, आंख की ज्योति हुई है, और 56 करोड़ वैदेशियों को कह दिया तो हम मारे जाओगे, ब्राह्मणों का श्राप है, तुमने ब्राह्मणों से मजाक की,
कि मेरे इसके बेटा होगा या बेटी, पुरुष को ले जा करके गर्भवती स्त्री बना करके पूछा। ब्राह्मणों ने कह दिया न बेटा होगा न बेटी, लोहे का मूसल पैदा होगा, उसी से तुम सब संहार मारे जाओगे। अब तुम यदुवंशियों प्रवाह क्षेत्र में बैठ जाओ, प्रभु का चिंतन करो। उस समय उद्धव जी आ गए भगवान के पास। उद्धव जी को पता चला कि भगवान कृष्ण जाएंगे। उद्धव जी रोने लग गए, क्या भगवान आप जा रहे हो, मैं आपके साथ चलूंगा। भगवान कहते हैं उद्धव न तो कोई साथ में आया है न कोई साथ में जाएगा, ले मैं जाते समय ही तेरे को सत्संग करा रहा हूं। उद्धव को बिठाया वहां पर। इस उपाख्यान का नाम है उद्धव गीता। क्या नाम है बोलो? तो हमने 7 दिन कथा नहीं सुनी है, परवाह मत करना, यहां से लेके परीक्षित की मुक्ति की तक की कथा सुन लो। अरे बोलो ना, गीता मंदिर यहां तक भागवत पहुंचा दो। एक एक पेड़ रखोगे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने वाला जन्म जाएगा, जो भागवत को मंदिर तक पहुंचाएगा जन्म मृत्यु के चक्कर से, बोलो ना, छूट जाएगा। पक्के रहना, शोभा यात्रा में चलना है वो, ठीक 12 बजे, हेरा फेरी नहीं होगी। हो 12 की जगह थोड़ा स्टेज मंत्री कोई सूचना देवे तो भी बैठे ना। कृष्ण सुदामे की झांकी का भी दर्शन बहुत अच्छा होगा। थोड़ा आज अंतिम दिन है, परीक्षित मुक्त हो रहा है, थोड़ी बहन बेटियां भजन भी बोलेंगी, फूलों की होली भी होगी। 12 की जगह 12:30 से आगे नहीं बढ़ेंगे, चलेंगे मंदिर। अरे मंदिर चले जाओगे ना, और तुमने कथा नहीं सुनी है, केवल मंदिर तक भागवत के साथ चलोगे, 24 गुरुओं की कथा सुन के तुमको पूरी भागवत का फल मिलेगा। नागपुर से गाड़ी चल रही है, दिल्ली जा रही है, उस गाड़ी के 7 डब्बे हैं, पहले टिकट रिजर्वेशन कराई है उनको मिल जाती है। और आजकल एक तत्काल में और होती है, बोलो ना, सवेरे जिसने परिक्रमा लगाई है उसके तत्काल की टिकट भी रिजर्वेशन, बोलो। हाँ सवेरे मैं आया यहां पर 5:30 बजे, महाराज छोटे छोटे बच्चे बस्ते उठा उठा करके, बोलो, वारी गोरक्षण समिति अनुसंधान केंद्र कितना अच्छा कार्य किया, बच्चों को कैसे संस्कार, बोलो। और उन बच्चों को कह दो जाओ मेस्त्री बहन है, सवेरे तुमको लड्डू मिलेंगे, 5 बजे कोई नहीं आता, देख लो ये तुमने संस्कार दे दिया। बड़ी भीड़ थी महाराज, बड़ी भीड़, बच्चे परिक्रमा कर रहे थे, बहन बेटियां, बूढ़े बूढ़े महाराज, एक माता से तो चला ही नहीं जा रहा था, बोलो ना, उठा उठा करके उसको, देखो उनके बेटे परिक्रमा लगवा रहे थे, ये काम उपलब्ध ही है। और यदि तुमने 24 गुरुओं की कथा सुन ली, तत्काल में टिकट नहीं, गाड़ी चल रही है, शोभा यात्रा जा रही है, और तुमको जाना है नागपुर से बोलो दिल्ली, और न तत्काल की टिकट है न रिजर्वेशन है, जाना जरूरी है, और गाड़ी चल पड़ी, चलती हुई गाड़ी का आखिरी 7वें डब्बा का हाथा पकड़ के तुम अंदर चले जाओगे तो दिल्ली तो पहुंच ही जाओगे। ऐसे ही अंतिम के अंदर तुम शोभा यात्रा में चलोगे तो बैकुंठ तो पहुंच ही जाओगे। बक्के रहना बस, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, सत्संग। उद्धव जी को बोलो ना, भगवान कृष्ण ये उपदेश दे रहे हैं सत्संग। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही
सुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। हो उद्धव गीता है, इसको पूरी सुन लो आप, आधी घंटा की कथा है, पूरी भागवत का फल मिलेगा। दत्तात्रेय ने पहला गुरु बनाया प्रति को, प्रति से क्षमापन सीखा। थोड़ा माइक ठीक कर दे, सिटी नहीं देवे पूरा भी रहे। प्रति से क्या शिक्षा ली? क्षमापन। प्रति पर चलते हैं, फिरते हैं, मलमूत्र करते हैं, प्रति कभी क्रोध नहीं करती। दूसरा गुरु बना लिया जल को, जल से शीतलता सीखी। तीसरा गुरु बना लिया आकाश को, आकाश से असंगता, किसी के चिपकना नहीं है। चौथा गुरु बना लिया हवा को, हवा से सर्वत्र भ्रमण करना सीखा।
निठले नहीं रहना, चलते रहो। पांचवा गुरु बना लिया दत्तात्रेय ने अग्नि को। अग्नि किसे क्या शिक्षा ली? सर्वभक्षी। अग्नि में नमक डालो खा लेगी, जलेबी डालो खा लेगी, हलवा डालो खा लेगी, रोटी डालो खा लेगी। अग्नि को गुरु बना लो। धर्म पत्नी या माँ तुम्हारे आगे थाली रख दे, थाली का प्रसाद पा लो, थाली का तिरस्कार मत करो। अरे पत्नी के बहुत सा कार्य होता है, थोड़ा कभी भोजन में गलती भी हो जावे उस पर क्रोध मत करो। वो भोजन भी बनाती है, तुम्हारे घर का काम भी देखती है, बच्चों को भी स्कूल भेजती है, फिर गलती हो जावे उसको डांटो। और ससुराल में रहती है बोलो, और ससुराल में रह के काम करना कितना कठिन है, थोड़ा 15 दिन तू जाके ससुराल में काम करके आ, तेरे को पता लगेगा। हाँ, डांटो मत पत्नी को। यत्र नार्यास्तु भुजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब ठीक है, जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। नहीं मिले हो पत्नी को डांटो मत। अब नारी की पूजा से यह मत समझ लेना, ले भाई आज गुरुजी ने कहा है शाम को कोई आरती मत करने लग जाना पत्नी की। नारी की पूजा का मतलब है नारी का सत्कार करो, नारी को दुत्कारो मत, गलती हो जावे। एक पत्नी ने पति के लिए भोजन बनाया, काम बहुत था, जल्दी बाजी के अंदर एक सब्जी में नमक डाला ही नहीं और दूसरी में नमक ज्यादा पड़ गया, डबल पड़ गया। और पति भोजन करने बैठा, थाली आई, पति ने ग्रास तोड़ा, सब्जी में लगाया, जिस सब्जी में नमक नहीं था वो फीकी लगी। अब दूसरी सब्जी में ग्रास लगा के खाया तो कड़वा लगा, उसमें नमक डबल। पति को गुस्सा आ गया, पत्नी को कई बातें सुना के चला गया। इतने में एक भिखारी आ गया, भूखा था, महाराज जो थाली की दोनों रोटियां और दोनों सब्जियां भिखारी को पत्नी ने दे दिया। भिखारी पीपल के नीचे बैठ के खाने लगा। अब पहली में जब नमक नहीं था उस सब्जी को खाया फीका लगा, दूसरी सब्जी में ग्रास लगा के खाया तो कड़वा लगा। भिखारी ने दोनों सब्जियों को मिला लिया नमक बराबर, बोलो ना, बड़े प्रेम से खा लिया। पत्नी को डांटो मत, बस अग्नि को गुरु बना लेना। अग्नि कोई कानून नहीं लगाती है, बोलो ना, जैसा डालो वैसा खा लेती है। छठा गुरु बना लिया दत्तात्रेय ने चंद्रमा को। चंद्रमा को गुरु बना के क्या शिक्षा ली? चंद्रमा की कलाएं 15 दिन घटती है, 15 दिन बढ़ती है। चंद्रमा ने घटता है ना बढ़ता है बोलो? चंद्रमा हमेशा एक जैसा ही रहता है, बढ़ेगी चंद्रमा की कलाएं बढ़ेगी, घटेगी चंद्रमा की कलाएं घटेगी। कलाओं के जगह शरीर रख देना, चंद्रमा की जगह अपनी आत्मा को रख लो, बस बात समझ में आ जाएगी। तुम्हारी आत्मा ने घटती है न बढ़ती है, घटता है बढ़ता है, रोगी होता है भोगी होता है, तो तुम्हारा शरीर होता है, शरीर में परिवर्तन आता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं आता है। उस आत्मा का चिंतन करो, ओ मैं हूं, मैं बोलो ना, मैं दामोदर नहीं, मैं पूनम चंद नहीं, मैं श्रवण कुमार नहीं, मैं पुरुषोत्तम नहीं, बोलो ना, मैं कैलाश नहीं, मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं। वो सबसे प्रिय है तुम्हारा। अच्छा मेरे को बताओ, इतने बैठे हो, तुमको सबसे प्रिय चीज क्या लग रही है बोलो? सच्ची सच्ची बता, सबको पूछोगे ना एक ही जवाब देंगे, चाहे संत हो चाहे महात्मा हो चाहे ज्ञानी हो चाहे मूर्ख हो, सबको सबसे प्रिय धन ही लगता है। बोलो सबसे प्रिय क्या है हमारे पास? धन है, धन, धन सबको प्रिय है।
अच्छा धन से प्रिय क्या चीज है? धन से प्रिय बेटा होता है, वो धन से भी प्यारा होता है। वहां धन गौण हो जाता है, बेटा प्रिय हो जाता है। बेटे की तबीयत ठीक नहीं, बेटा संकट में पड़ गया, असाध्य रोग लग गया, उस समय तुम धन को देखोगे या बेटे को देखोगे? बोलो, डॉक्टर से क्या कहोगे? डॉक्टर साहब मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, धन चाहिए, कितना ही लग जावे? बोलो, और धन प्यारा नहीं है वहां, और बेटा प्यारा है। बेटे से प्यारी क्या चीज है तुम्हारे पास? बोलो, बेटे से प्यारी तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर है, वो बेटे से भी प्यारा है। इस शरीर को चलाने के लिए, इस पेट को भरने के लिए हम तुम ये कल्पना नहीं कर सकते गरीबी की। वो गरीब व्यक्ति के पास जाओगे तो पता लगेगा, इसको चलाने के लिए लोग बेटियों को बेच देते हैं, बेटों को बेच देते हैं शरीर चलाने के लिए। हरिश्चंद्र ने भी महाराज ब्राह्मण के बेटे को खरीदा था। ब्राह्मण के तीन बेटे थे, भूखे थे महाराज हरिश्चंद्र के, रोहित तो नहीं हुआ था। ये भागवत की कथा है, इधर उधर की नहीं है, ये भी सोच लेना। तो हरिश्चंद्र जा रहा था तो झोपड़े के अंदर ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठे हुए थे, तो तीनों बच्चे रो रहे हैं, पिताजी भूख लगी है, माँ भूख लगी है। तो माँ बाप कहते हैं हम भी भूखे हैं। हरिश्चंद्र ने विचार किया मेरे बेटे नहीं है, इसके तीन है, एक बेटा मेरे को दे देवे, ये जेके वे उतना धन दे दूं। हरिश्चंद्र अंदर गया, कहा भैया रो क्यों रहे हो? कहा महाराज बेटे भूखे हैं, हम भूखे हैं। भूख सबसे बड़ा शत्रु होता है, वो भूखा ही जान सकता है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? भूख। तो हरिश्चंद्र ने कहा तेरे कितने बेटे हैं? कहा मेरे तीन बेटे हैं। कहा तीन में एक मेरे को दे दे, उसके बराबर सोना दो दे दूंगा, सोना दे दूंगा उसके बराबर। तो छोटे बेटे को माँ ने पकड़ दिया, वो कहती है इसको मैं नहीं बेचूंगी। बड़े बेटे को पिता ने पकड़ दिया, कहा इसको मैं नहीं बेचूंगा। एक भी ये भी ध्यान रखना, बड़ा बेटा पिता को अच्छा लगता है, छोटा बेटा माँ को अच्छा लगता है, बीच वाला ठंडन पाल मदन गोपाल। ब्राह्मण ने भी बीच वाले को बेचा, उसका नाम भागवत में बताया सुना शेर। तो सबसे प्रिय धन होता है, धन से प्रिय बेटा होता है, और बेटे से प्रिय शरीर होता है। इसको चलाने के लिए बेटा बेटियों को बेच देते हैं। वेदांत में कथाएं आती है, बहुत आती है कि शरीर कितना प्यारा है हमको, इसलिए शरीर को ठीक रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, मित भोजन करो, युक्त आहार विहारस्य, शरीर रोगी हो जाएगा ना। ये जो शरीर हमारा साथ दे रहा उतना साथ कोई नहीं दे पाएगा। तो बिल्ली भी आ गई ते खाने में, वेदांत में कथा आती है, ते खाने के अंदर पानी भर गया महाराज। अब बिल्ली क्या है, डूब रहे बच्चा डूब रहा, तो पहली बिल्ली ने क्या किया, बच्चे को मुख में लिया, फिर बिल्ली डूबने लगी, देखो शरीर कितना प्यारा है, बिल्ली ने अपने बच्चे को नीचे बैठा रहा, ऊपर बैठ गई। बोलो ये शरीर इतना प्यारा है। तो सबसे प्रिय धन, याद रखना, धन से प्रिय बेटा, बेटे से प्रिय शरीर। अच्छा शरीर से प्रिय तुम्हारे की अंदर क्या है? बोलो तुम्हारे पास क्या है? शरीर से प्रिय तुम्हारी इंद्रियां हैं, ये नाक इंद्री है, आंख इंद्री है, कान इंद्री है, हाथ इंद्री है, पैर इंद्री है, ये शरीर से भी प्यारी है या नहीं? बेटे बेटियों को तो शरीर के लिए बेच देते हैं गरीब व्यक्ति, पेट भरने के लिए कोई इंद्रियों को बेचता है क्या? कोई कह दे ले तेरे को 10 लाख रुपया दे, तेरा नाक काट के दे दे, बोलो ये शरीर से प्यारा है। ले 20 लाख रुपया दे, आंख दे दे, शरीर से प्यारा है। तो सबसे प्यारा याद करो, आज आज की कथा याद रखना, सबसे प्यारा बोलो, बोलो ना धन, बोलो ना सबसे प्यारा धन, धन से प्यारा बेटा, बेटे से प्यारा शरीर, शरीर से प्यारी
इंद्रियां, पक्का याद करके जाना। अच्छा, इंद्रियों से प्यारी तुम्हारे पास क्या चीज है बोलो, जो इंद्रियों से भी प्यारी है। इंद्रियों से प्यारा होता है प्राण, याद रखना। नाक में ऐसे नाक काट के तुम 20 लाख रुपए में नहीं दोगे, और नाक में कैंसर हो गई तो डॉक्टर से क्या कहोगे, डॉक्टर साहब मेरा प्राण बचना चाहिए, नाक काट दो। बोलो, ये प्राण तुम्हारा इंद्रियों से प्यारा है। हाथ में कैंसर हो गई, डॉक्टर कहता पूरा हाथ कटेगा, ऐसे तुमको कहे कि लाओ तुम 20 लाख रुपए में तेरा हाथ दे दे, कोई नहीं देगा। लेकिन प्राण बचाने के लिए क्या कहते हो, डॉक्टर साहब मेरा प्राण बचना चाहिए, मेरा हाथ काट दो। ये तुम्हारा शरीर से प्यारी इंद्रिया है। फिर याद करके बताओ, सबसे प्यारा बोलो धन, धन से प्यारा बेटा, बेटे से प्यारा शरीर, शरीर से प्यारा इंद्रिया, इंद्रियों से प्यारा प्राण। अच्छा, प्राणों से प्यारी क्या चीज है बोलो तुम्हारे पास, वही सातवें दिन बता रहे हैं, मुक्ति की कथा है। प्राणों से प्यारी तुम्हारी आत्मा है, वो प्राणों से भी प्यारी है। प्राण तड़ पड़े हैं, मरने वाले हैं, उस समय इधर उधर पैर पटकते हैं, तब आत्मा बोलती है तो प्राण निकल जावे तो वो मैं हूं। ये सबसे आत्मा बारी दर्शन व्याम, उस आत्मा का चिंतन करो। चंद्रमा ने घटता है ना बढ़ता है, उसकी कड़ाई घटती बढ़ती है, ऐसे ही हमारा शरीर कड़ाओं की जगह घटेगा बढ़ेगा, लेकिन हमारी आत्मा न घटती है न बढ़ती है। बालपने में बेसी थी, जवानी में बेसी है, बुढ़ापे में, इसमें अंतर आया क्या, शरीर में तो आ गया, वो मैं। ये चंद्रमा से शिक्षा दो, कितने गुरु हो गए। अरे 24 की कथा सुनाऊंगा, थोड़ा ध्यान रखना, 6 हो गए हैं, कितने गुरु हो गए, भुला मत देना मेरे को। 7वां गुरु बना लिया सूर्य को, सूर्य को गुरु बना के क्या शिक्षा ली, समदृष्टि। सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता, राजा रंग फकीर, उसके मन में कोई भेदभाव, ऐसी सूर्य को गुरु बनाओ। संयुक्त परिवार है, पक्षपात मत रखना, समान रूप से देखो। पिता के लिए सब बेटे बराबर है, सास के लिए सब बहुए। और सास ये विचार कर ले, बड़ी बहू तो अलग होगी, मेरी बंगड़िया मेरी चूड़िया छोटी बहू को दूंगी, क्यों सूर्य ऐसा करता है क्या, सूर्य तो सबको बराबर दे रहा है, तो सास है बराबर दे, तो पिता है पुत्रों को बराबर रख। कितने गुरु हो गए, 7। 8वां गुरु बना लिया कबूतर को, कबूतर को गुरु बना के क्या, ममता मत करो। कबूतर ममता बहुत करता है, कबूतरी जब जाड़े में फंस जाती है ना, कबूतर जाता है उसके पास, वो कहता है, कबूतरी कहती है मेरे पास बताना, कहा तेरे बिगड़ जिंदा नहीं रहूंगा, अरे मेरे पास आते ही मर जाएगा, लेकिन ममता करके जाता है, कबूतर मर जाता है। ममता केवल परमात्मा से करनी है, जीव की ममता दुखदायी है और परमात्मा की ममता सुखदायी है। कितने गुरु हो गए, 8। 9वां गुरु बना लिया अजगर को, अजगर को गुरु बना के क्या शिक्षा ली, पेट की चिंता मत करो। पेट दिया है, पेट जरूर भरेगा, ये मानव तन मिला है, पेट की चिंता न करके परमेश्वर की चिंता करो। अरे पेट देने वाला पेट को भूखा रखेगा, थोड़ा विचार करो। मां के पेट में थे, जन्मने से पहले लाल खून को सफेद किसने किया, किसको चिंता थी, दूध बना दिया, और जन्मते ही दूध पाके पेट भरेगा, बड़ा हो जाएगा, खिचड़ी के लाके रोटी के लाके पेट भर देगा, और तो जब तक जिएगा भूखा नहीं रहेगा।
और खिचड़ी नहीं खाया जाएगी तो भी भूखा नहीं रखेगा, दूध पिला के पेट भर देगा, दूध पचेगा नहीं तो भी भूखा नहीं रखेगा, जूस पिला के पेट भर देगा, और जूस भी पिया नहीं जाएगा ना तो जिंदा रहेगा, तब तक वो परमेश्वर तेरे को भूखा मरने नहीं देगा, डॉक्टर को बुलाएगा और ग्लूकोज चढ़ा के तेरा पेट भर देगा। दादुर दुनिया बावरी सोच करे क्या गेली, रोटी देसी राम जीर दोपहरा सो पहली बार। ये अजगर से शिक्षा लो, अजगर किसी के पीछे भगता नहीं, कभी भूखा रहता नहीं। दसवां गुरु बना लिया समुद्र को, समुद्र को गुरु बना के मर्यादा का उल्लंघन मत करो, समुद्र कभी मर्यादा नहीं तोड़ता है, और अपनी प्रति से 10 गुना अधिक है। मैं लातूर में कथा कर रहा था, महाराज वहां के लोगों ने बताया, महाराज कई वर्ष पहले यहां भूकंप आया, आधे मिनट का नहीं चौथाई मिनट का भूकंप था, उथल पुथल कर दिया, कितने मकान टूट गए, कितने व्यक्ति मर गए। अब विचार करो, एक आधी मिनट से भी कम भूकंप इतना उत्पात कर देता है, समुद्र मर्यादा तोड़ दी, यदि सारी मर्यादा समुद्र तोड़ देवे तो आधी मिनट मर्यादा तोड़ी, इतने में ये हो गया। अपनी मर्यादा मेरे हो, पिता की क्या मर्यादा है, पुत्र की क्या मर्यादा है, पत्नी की क्या मर्यादा है, सास की क्या मर्यादा है, अपनी मर्यादा मेरे, ये समुद्र से सीखो। कितने करोगे बताते रहे ना, एक ही भूलना मत, आज मुक्ति की कथा है। 10 हो गए हैं। 11वां गुरु बना लिया कीड़े को, कीड़े को गुरु बना के रूप में मत फंसो, आंख को बस में रखो। ये छोटा कीड़ा होता है ना, लटों के आते आगे आता है, क्यों आ गया है अग्नि के पास, क्यों आता है, ये रूप में फंस जाता है, ये सोचता है अग्नि को गले में लगाऊं और रूप में फंसा, बोलो ना, अग्नि ने कमोद मार दिया। रूप में आंख को बस में रखो, रूप में फंस जाएगा क्या क्या हो जाएगा, घर की नारी का क्या हो जाएगा, बच्चों का क्या हो जाएगा, घर नारी बिचारी अगारी पिरे पर प्यारी को साड़ी रंगीली रंगावे, नारी के हाथ में चूड़ी नहीं बेश्या को गले का हार पहनावे, धर्म की ताई तो पाई नहीं व्यभिचार में सारी कमाई लगावे, दाम भी दे बदनाम भी और साम के खातिर प्राण गमावे। रूप में मत बसो, आंख का बहुत डर है, आंख को बस में रखना है तो कीड़े को गुरु बनाओ, वो आंख को बस में नहीं रखता, रूप में बसता है, कमोद मरता है। डर किसका है बोलो, आंख वाले का है या अंधे का है बोलो, डर किसका लग रहा है हमको, आंख वाले का लगता है या अंधे का, अंधे का कोई डर नहीं, आंख वाले का डर है। प्रसिद्ध कहानी आपने सुनी है, अमावस की रात थी, आज क्या है बोलो, अमावस, अमावस की रात बहुत अंधेरा होता है वो, तो सूरदास जी के मन में आया आज रात्रि में घूमने चले, लेकिन करें क्या, है अमावस की रात, अंधेरा बहुत है, कैसे जाने। सूरदास जी लालटेन जलाई हो और घूमने गए, एक हाथ में लकड़ी एक हाथ में लालटेन, और सामने एक आंख वाला आ रहा है, आंख वाले ने विचार किया सूरदास जी को दिखता तो है नहीं तो लालटेन क्यों नहीं रखी है। आंख वाला आके कहता सूरदास जी राम राम, सूरदास जी कहता राम राम भाई राम राम, तो सूरदास जी आपको दिखता तो नहीं है, ये लालटेन क्यों दे रखी है। सूरदास जी कहते लालटेन इसलिए ले रखी है कोई आंख वाला मेरे से टकरा न जावे। बोलो, डर आंख का है, कीड़े को। 12वां गुरु भवरे को बना करके नाक को बस में रखो, भवरे को मरा हुआ देखा है कहीं, बोलो, भवरे की आयु हमारे शास्त्रों में 500 वर्ष की बताई है, और मरता कटा कब है, जब नाक के बसीभूत होता है, पुष्प में बैठता है कमल के, सायंकाल में वो रात्रि में पुष्प सिकुड़ जाता है, भवरा विचार करता है सवेरे सूरज उग जाएगा पुष्प खिलेगा तब उड़ूंगा, और उसके आगे पुष्पों की पंखुड़ियां कुछ भी नहीं है, उसकी दाढ़ बड़ी मजबूत होती है, लकड़ी में छेद कर दी, नाक के बसीभूत हुआ, आती रात्रि में आता है
और महाराज पानी पीने के लिए कमल के पुष्प को तोड़ के चला जाता है। भौरे के मन की बात मन में रह जाती है, कितने गुरु हो गए, ये इंद्रियों की कथा है। कीड़े को गुरु बना के आंख को बस में रखो, भौरे को गुरु बना के नाक को बस में रखो। आगे दत्तात्रेय ने तेरवा गुरु बना लिया है हाथी को, हाथी को गुरु बना के क्या शिक्षा ली, स्पर्श को बस में रखो, त्वगेंद्रिय को बस में रखो। हाथी पकड़ने वाले कैसे पकड़ते हैं, खड्डा खोद देते हैं जंगल के अंदर और लकड़ी आर कर देते हैं, लकड़ी के अतने बिठा देते हैं, खड़ी कर देते हैं। हाथी अपने अतने के पास रहता है, लकड़ी के अतने को सच समझ करके उसके पास जाता है, उसके वजन से बोलो ना लकड़ी की अतनी के पास जाती, हाथी खड्डे में गिर जाता है, बांस टूट जाते हैं, अंकुश के वश में हो जाता है। क्यों हुआ, चरित्र बिगाड़ने के लिए आया, अंकुश के वश में हो गया। स्वतंत्र वक्ता है, व्यास गद्दी पर बैठ के चरित्र की कथा सुना सकता है, सुनाने वाले वक्ता का चरित्र नहीं होगा ना। जैसे हाथी अंकुश के वश में हो जाता है, ऐसे ही लोग तुम्हारी जीभ पर अंकुश लगा देंगे, बोलने नहीं देंगे। धन गया समझो कुछ नहीं गया, समय गया तो समझो कुछ तुम्हारा चला गया, और यदि चरित्र गया तो सब कुछ तुम्हारा चला गया। ऐसा काम मत करो कि भावी संतान को लोग इस अंगुली से इशारा करें, यह अंगुली बहुत खतरनाक है। ये अंगुली, इसको चोर अंगुली कहते हैं, चोर अंगुली। हाँ, ये तुम पुष्पों पर के आगे लगाओ, पुष्प मुरझा जाएगा, तुलसी जी के आगे ऐसे अंगुली कर दो, तुलसी जी सूख जाएगी। महाराज ये अंगुली इतनी खराब है, और राजस्थान में तो सब जानते हैं, ये अंगुली कर देना काकड़ी और मतीरे में कीड़े पड़ जाते हैं। महाराज ये अंगुली ऐसी का त्योहार, ये अंगुली चोर अंगुली है। छोटे छोटे बच्चों को भी पता है काशी जी में इस अंगुली का नाम चोर अंगुली है। काशी जी के अंदर दिवाली के दिन जाओ महाराज, छोटे छोटे बच्चे बैठ जाते हैं और एक बच्चा खड़ा होके इस अंगुली पर हाथ लगाता है, कहा दिवाली आई दिवाली आई दिवाली आई। दूसरा कहता है इस पर हाथ लगा के मिठाई खाएंगे मिठाई खाएंगे मिठाई खाएंगे। तीसरा इस पर हाथ लगा के कहता है पैसे कहाँ से लाएगा पैसे कहाँ से लाएगा। चौथा इस पर हाथ लगा के कहता है चोरी करेंगे तो कह दिया अंगूठे थे अंगूठे ने मैं तेरे से दूर ही रहूंगा, इसलिए इस अंगुली से अंगूठा दूर है। ऐसा काम मत करो, भौरे को गुरु बनो, हाथी को गुरु बनाओ, चरित्र को पवित्र। कितने गुरु हो गए बोलो ना, 13। 14 गुरु बना लिया हिरण को, हिरण को गुरु बना के कानों को बस में रखो। हिरण को ऐसे पकड़ी कोई पकड़ा नहीं जावे, लेकिन वो शब्द का शौकीन है। हिरण पकड़ने वाले बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी की आवाज में हिरण ऐसे कान लगा देता है, आंखें बंद करता है, खड़ा हो जाता है, पीछे से बाण लगा दिया, हिरण मर गया, खत्म। क्यों हुआ, कान के बसीभूत हो गया। कान के बसीभूत हो जाओगे, पैसे खर्च करना पड़ेगा, अंधेरे में बैठना पड़ेगा, पाप को कमा के लड़ना पड़ेगा, सिनेमा में जाना पड़ेगा। बोलो, कान के बसीभूत, सिनेमा में जाओ, पैसे खर्च करो, अंधेरे में बैठो, पाप को कमाओ, ये बहादुरी है। कान को हमेशा रामायण गीता भागवत की कथा सुनाओ, मीरा सूरदास के भजन सुनाओ, कानों को सत्संग सुनाओ, नहीं तो हम भी हिरण की तरह कमोत मर जाएंगे। कितने गुरु हो गए बोलो ना, 14 डटेरे ना, 24 दस और हैं, और आखिरी दिन तुम कथा में जाओ, 24 गुरुओं की कथा पूरी सुन लेना। ये कथा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर रहा, ये कथा सुखदेव जी नहीं कर रहे हैं, 11वें स्कंद में तो ये कथा भगवान कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं, और वो ही प्रकरण सुखदेव जी आज परीक्षित को सुना रहे हैं। 15वां गुरु बना लिया मछली को, मछली को गुरु बना के क्या शिक्षा ली, जीव को चटोकड़ी मत करो, जीव बिगड़ा जीवन बिगड़ा, और जीव सुधरी जीवन सुधरा।
जीव बिगड़ी मन बगड़ा और जीव सुधरी तो मन भी सुधरा। मछली को पकड़ने वाले कैसे पकड़ते हैं? ऐसे पकड़ो हाथ नहीं आएगी। ओ लोहे के कांटे में मीठा कर करके ऐसे कांटा फेंकते हैं जल में। जीव चटोकड़ी मछली के ज्या ही मीठे पर प्रभाव लगाती है, जीव फंस जाती है, कमोत मर जाती है। यदि जीव के बसीभूत नहीं होती मरती नहीं। और जीव चटोकड़ी हो जाएगी न जाने किन किन का झूठा खाना पड़ेगा, मांग के खाना पड़ेगा। मांगने वाले को अच्छा लगता है क्या? अच्छा मिलेगा? महाराज एक मौली था, उसके आगे हिंदू के बच्चे भी पढ़ते थे, मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ते थे। हाँ उर्दू पढ़ाता था, उसकी जीव बड़ी चटोकड़ी। वो बच्चे से गए तुम्हारे घर क्या सब्जी बनी है? बच्चे बैठे ना इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ सुन लो। कहते तुम्हारे घर का काय की सब्जी है? क्या आलू की सब्जी भैया? अब बच्चे ले जावे जो जूठा उठा देवे वो चटोकड़ी जीव वाला खा लेवे। कि हिंदू का बच्चा पढ़ता था, उसका नाम गोपाल था। क्या नाम था? ओ मौली कहता गोपाल तेरे घर गाय है क्या? गोपाल कहता गुरु जी गाय तो है, तो बेटा आज खीर बना के आला। गोपाल माँ से जाके कहता माँ आज मेरे मौली गुरु जी ने खीर मंगाई है, खीर दे। माँ ने कह दिया बेटा खीर तो तेरे पिता को भी बना के नहीं देती, तेरे को भी बना के नहीं देती। तेरे गुरुजी को कह देना मेरी माँ तो बना के नहीं देती है। बालक का हृदय पवित्र होता है। बालक ने आके कह दिया गुरुजी मेरी माँ तो खीर बना के दे नहीं रही है। एक दिन अमावस्या आई, हो आज क्या है बोलो? अमावस्या गोकाल व्यान ने खीर बनाई। अब खीर का भोजन ज्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, ठंडा करना चाहिए, हो ऐसा आयुर्वेद का मत है। तो गोपाल की माँ ने क्या किया, खीर को परात में रख दिया ठंडी होने के लिए रस्सी में। दरवाजा खुलता था, कुत्ता आया आधी खीर खा गया। गोपाल ने देख लिया, गोपाल की माँ ने देख लिया। माँ कहते बेटा गोपाल तेरे गुरुजी खीर मंगाते आज ले जा। हाँ कुल्लर पूरा का पूरा खीर से भर दिया, इतना बड़ा कुल्लर। गोपाल लाया, लो गुरुजी आज खीर लाया। गुरुजी ने कहा बेटा इतनी खीर थोड़ी तू ले, क्या कहा बोलो ना, थोड़ी तू ले। गोपाल कहता गुरुजी मैं तो नहीं खाऊंगा, क्यों भोजन करके आया? अब बालक का हृदय पवित्र है, कहा भोजन तो नहीं करके आया, तो आधी तू खा आधी मैं खाऊं। गोपाल कहता गुरुजी मैं तो नहीं खाऊंगा, कहा क्यों? गुरुजी यह खीर तो कुत्ते की झूठी है। महाराज मौली ने ऐसे खीर का कुल्लर फेंक दिया, कुल्लर फूट गया, गोपाल रुट गया। रोते हुए गोपाल को गुरु पूछता है गोपाल बेटा रो क्यों रहा है? गोपाल कह रहा गुरु जी अब मैं घर जाऊंगा, मेरी माँ मेरे को मारेगी। क्यों? गुरु जी इस कुल्लर में रात्रि के समय मेरी माँ छोटे भाई को पेशाब कराती थी। कुल्लर फूट गया, विचार करो जीव चटोकड़ी होगी, कुत्ते का झूठा खाना पड़ेगा, पेशाब का पात्र मछली को गुरु बना लो, भगवान के भोग लगाओ, भोजन में पवित्रता रखो। और चटोकड़ी जीव वाला बोलो ना पुचका बुचका बोलो ना। हाँ हमने सुना है कि पुचका बेचने वाले ना कहते गंगे नाले का पानी ला करके भी मिला देते हैं, उसमें वैसी सुगंध आती है। युक्त आहार भी आरस्य, जीव को कंट्रोल में रखो। सोलवा गुरु बना लिया दत्तात्रेय ने मधुमक्खियों को, संग्रह मधुमक्खियां करती है शहद का और खाते हैं कोई और, बोलो ऐसी धन का संग्रह करेंगे, संग्रह करते रहेंगे करते रहेंगे, मौज उड़ाएंगे मा दिया भाई कोई और। संग्रह करना है धर्म का करो, धन का संग्रह यही रह जाएगा, धर्म का संग्रह साथ में जाएगा। सत्रवा गुरु बना लिया पिंगला नाम की वेश्या को,
आसाई परमम दुखम निराश परमम सुखम। एक दिन पिंगला नाम की बेस्या महाराज दरवाजे के आगे श्रृंगार करके खड़ी हो गई रात्रि में। उसके आगे कोई नहीं आया, घर में कोई नहीं आया, एकाएक वैराग्य हो गया उसको। उसने विचार किया, किसकी आस कर रही है तू? जिसकी आस कर रही है, जिससे प्रेम कर रही है, उसकी आंखों में क्या भरा है, उसके कानों में क्या भरा है, उसके कंठों में क्या भरा है, उसके नाक में क्या भरा है, उसके पेट रूपी रेफ्रिजरेटर को खोल के देखेगी तो गंदगी के स्वाद तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। एकाएक मेरा गया आया और सबसे नाता तोड़ा, नाता भगवान से जोड़ा, आशा भगवान की कर दी। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, बस आज आस पक्की कर दे रहा हूं पक्की। हे भगवान, तेरे मंदिर में हम पितरेश्वरों को लेकर के आएंगे, भागवत को पहुंचाएंगे, एकदम पक्के हो जा, घर वही मिल जाएगा, पूरी भागवत का सार था, शोभा यात्रा में जरूर। कितने गुरु हो गए बोलो बोलो? देखो बच्चे बता रहे हैं, बच्चे 17 18 गुरु बना लिया चील पक्षी को। चील पक्षी होता है मांस का लोथड़ा लेके उड़ता है, चील वो महाराज को भी पीछे पड़ जाते हैं, चोंचे मारते हैं, खाने नहीं देते, बैठने नहीं देते। तो चील शत्रु होता है, वो क्या क्या करता है, मांस के दौड़ तड़े को ऐसे तोड़ के कौ के आगे फेंक देता है, कोई स्वर बैठ जाते हैं। अब बचे हुए को चील आराम से बोलो ना खा लेती है। समझ में आई? अरे अधिक तुम्हारे पास धन रहेगा, कोए पीछे पड़ेंगे, अधिक होगा तुम्हारी नींद आराम कर देंगे, उनको थोड़ा टुकड़ा देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो वो महाराज नींद आराम कर देंगे। अधिक होगा तुम्हारे मित्र भी बहुत है, अधिक होगा तुम्हारे पास तो शत्रु भी बहुत है, और बराबर का लगा होगा, न तुम्हारे कोई अधिक मित्र रहेंगे न तुम्हारे शत्रु रहेंगे। भगवान से प्रार्थना करो, साई इतना दीजिए जिससे कुटुंब सहाय, मैं भी भूखा ना रहूं न साधु न भूखा। अधिक होगा तो मामला गड़बड़ है, गड़बड़ हो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। 2016 में 8 नवंबर को बोलो ना नोटबंदी में, अधिक होगा तो मामला बिस्तरों में निकला देगा तो जेल भी मिलेगी, नहीं तो बस बराबर। आवे दान करो, पुण्य करो, धन को प्रयोग में लाओ, इच्छाएं कभी धन से तुम्हारी पूरी होगी नहीं, हाँ आवश्यकता पूरी करो, आवश्यकता हमेशा तुमको सुख देगी और इच्छाएं तुमको हमेशा दुख देगी। आवश्यकता है शरीर को भोजन की, तुम भोजन करो, शरीर रिष्ट होगा, पुष्ट होगा, क्योंकि आवश्यकता है भोजन की। लेकिन इच्छा कह रही है 5 स्टार में चलो, ये तो दुख दे रही है, वो दुख दे देगी। आवश्यकता है तुम्हारे को शरीर के अंदर कपड़े की, आवश्यकता है, वो तो सुख दे रही है, लेकिन इच्छा के दुख दे रही है, इच्छा के लिए ब्रांडेड चाहिए, वो दुख दे देगा। आज हमारे तुम्हारे घरों में आवश्यकताएं कम हो रही है, इच्छाएं बढ़ रही है। आज रसोई की आवश्यकता प्रत्येक घर में कम हो गई, रसोई में चीनी कम हो गई, घी कम हो गया, तेल कम हो गया, दूध कम हो गया, बोलो ना सब चीजें, रसोई की आवश्यकताएं घटती जा रही है और स्नान घर में इच्छाएं बढ़ती जा रही है। वो घर के स्नान घरों में देखो महाराज, घर का आधा बजट तुम्हारे स्नान घर में खर्च हो रहा है, ये इच्छाएं दुख दे रही है। आवश्यकताएं मकान की, सुख देगा मकान होना चाहिए, लेकिन इच्छा कर रही है नागपुर में सबसे अच्छा मेरा होना चाहिए, यह दुख देगी, इच्छाएं हमेशा दुख देगी। आवश्यकता है शरीर को ढकने के लिए, इधर माताओं को कह रहा हूं, माताओं महीने में 30 ये कितने दिन होते हैं, 30, अब तुम्हारे 30 साड़ियां हो, कोई कमी है क्या एक दिन में एक पैर तो भी 30, लेकिन आज इच्छाएं देखो इनकी, तो देखो इनकी अलमारियों में साड़ियां गिनी नहीं जाएगी,
हाँ, अरे पलंग के नीचे हमने देखा पूरा पलंग साड़ियों से भरा, ड्रम साड़ियों से भरे हैं, संदूकें साड़ियों से भरी है, अलमारियां साड़ियों से भरी है, और पति कह दे आज है ना मेरे साथ चलेना बरात एक किसी के मित्र की आई हुई है, चल कहेगी क्या चले कपड़े तो है ही नहीं, क्या चलो, ये इच्छाएं कब पूरी होगी, इच्छाएं कम करो, आ सकता है चील को पक्षी बना लो अधिक होगा तुम्हारी नींद हराम हो जाएगी, नींद हराम, बस आवश्यकता है खूब दान करो पुण्य करो, मेरे पास है आवश्यकता है उसकी, गरीबों को दे दूं आवश्यकता है उसकी, बोलो दीन दयाल थाली कितनी अच्छी चल रही है, यह आवश्यकता है दीनों को, दीन सबको लगता है दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन रखे जो दीन बंधु सम हो, जो गरीब को भोजन करा देता है, भगवान कहते हैं वो गरीब को भोजन कराने वाला मेरा जैसा बन जाता है, वो दीन बंधु सम आ सकता है, आज गौशाला के अंदर देने की गायों को खिलाने की, और काम मत करो उसको बढ़ाओ, आप भगवान ने दान दिया है समष्टि भाव से दिया है, तो हम ये सोचोगे कि हमारे हम सबको खिलाएंगे, हम अन्न क्षेत्र खोलेंगे, हम धर्मशाला बढ़ाएंगे, हम गायों को खिलाएंगे, हम गरीबों को खिलाएंगे, तो भगवान को भी चिंता होगी कि ये सब की चिंता कर रहा है, इसको ज्यादा देना पड़ेगा, भगवान को देना पड़ेगा, तो अपने कुटुंब की करोगे चिंता, बस मेरे बेटे कावे बीनरी कावे बहु है कावे बच्चे, तो भगवान उतना ही देगा, वो तुम्हारे घर का चलेगा अपना, ज्यादा तुम खर्च करोगे शुभ कार्य में तो भगवान सोचेगा इसको, आ सकता है सबकी चिंता है इसको, कितने गुरु हो गए 18 हो गए, एंटरटेनर ना, समय पर कथा पूरी करनी है, नहीं तो ये मेरे को तो कोई कह देवे कि 7 दिन तुम 24 गुरुओं की कथा सुना और ही आनंद आता है, करो क्या समय पर कथा भी पूरी करनी है, 1900 गुरु बालक को बना दिया, बालक को गुरु बना के क्या शिक्षा दी, मान अपमान रहित बालक है, छोटे बालक का मान कर दो।